तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, वहां पे कैंपस कैसा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, वहां का नोटेबल एलुमनी कहाँ है, कौन है, रैंकिंग कैसा है, ओवरऑल कॉलेज कैसा है, सारा कुछ जो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले कैंपस टूर करते हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन सा कोर्सेज होता है, तो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारा कोर्स होता है, उसके बाद कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आईटी से रिलेटेड सारा कोर्स होता है, साइंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज होते हैं, एनिमेशन एंड डिजाइन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज होते हैं। मेन जो कोर्सेज है यहाँ का वो है एमबीए, बीटेक, पीएचडी, एमटेक और BDES। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, तो बीटेक वालों के लिए जो है 1,13,000 जो है सेमेस्टर का फी है, और वही बात करें एमटेक वालों के लिए 91,000 के आसपास जो है फी है, और पीएचडी का बात करें तो पीएचडी के लिए जो है 70,000 जो है वहां का फी है टोटल पेएबल, और अगर एक साल की हॉस्टल फी की बात करें तो 81,500 रुपीज है। यहाँ पे एलुमनाई कौन कौन रह चुके हैं, वानिया मिश्रा, आदेश प्रताप सिंह, गौरव धिलोन, विजय के धीर, कल्पना चावला, जसपाल भारती। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट का, तो 2024 के आंकड़ा के हिसाब से यहाँ का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट 54 LPA का लगा है, 54 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज 18 लाख का है, और लोवेस्ट पैकेज जो यहाँ पे 6 लाख का गया हुआ है। अब बात करते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का रैंक कितना है, तो ये 101 से 128 NIRF रैंकिंग के बीच में है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का, तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे जो है जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें कि जैक पंजाब का जो है काउंसलिंग होता है, उसमें जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना जो है जेई मेंस का एप्लीकेशन आईडी फिलअप करना होता है, और सारा जो है अपना डॉक्यूमेंट डालना होता है, फिर जाके जो है काउंसलिंग होता है और जो है अलॉट होता है सीट, फिर हमारा जो है एडमिशन। ऑल ओवर अगर बात करें तो कैंपस शानदार है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी बहुत शानदार है, यहाँ का कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो अगर आप थोड़े से जो है पैसे दे सकते हो तो इस कॉलेज में जो है
आ सकते हो, बेस्ट है। यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है और बाकी बात फी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, तो आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बात, अगर आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट रिव्यू में। जय हिंद, जय भारत।